नमस्कार, मैं हूं सुरेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओनली न्यूज नेशन में। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान करते हुए सभी कट्टरपंथियों की नींदें हराम कर दी है। जी हां, मदरसों के सर्वे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर एक बड़ा प्रहार किया है और इस प्रहार ने तमाम कट्टरपंथियों की नींदें खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि मदरसों के सर्वे को लेकर बवाल चल रहा था, वो ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और कट्टरपंथी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जहर उगल रहे थे, लेकिन स्पीच इन सब को नज़रअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार को ऐसे इनपुट मिले थे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे चल रहे हैं, ऐसे में उसी की जाँच के लिए ये फैसला लिया गया है। अभी तक वक्फ बोर्ड की तरफ से सरकार के इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि अभी मदरसों के सर्वे को लेकर इतना बवाल चल रहा था, ऐसे में इस आदेश पर भी विवाद खड़ा होना लाजिम है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने यह आदेश देकर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए 33 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया। आपको जानकार हैरानी होगी कि कांग्रेस द्वारा पारित इस आदेश के तहत वक्फ बोर्ड इस्लाम से भी पुराना मंदिर अधिग्रहित कर सकता था। जी हां, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ना माने तो हाल ही के तमिलनाडु का मामला ले लीजिए। तमिलनाडु के एक हिंदू बाहुल्य गांव तिरुवनंतचुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी मलकियत घोषित कर दिया है। ये मामला तब सामने आया जब हिंदू बाहुल्य इस गांव के एक शख्स ने अपनी जमीन बेचने की पूरी कोशिश की। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चला कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने उसकी जमीन समेत पूरे के पूरे गांव की जमीन पर ही अपना दावा ठोक दिया है, जिसमें उस गांव में बना 1500 साल पुराना मंदिर भी आता है। वैसे ये सोचने वाला तथ्य है कि इस्लाम को आए मात्र 1400 साल ही हुए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने वक्फ कानून के तहत 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन पर भी अपना दावा ठोक दिया। वक्फ बोर्ड की ये पेचीदगियां ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवादित ढांचे से लेकर मथुरा की ईदगाह के विवादित ढांचे तक को समझाने के लिए काफी है, और ये पूरी की पूरी चाल कांग्रेस द्वारा रची गई थी। कांग्रेस ने कैसे 75 सालों में इस देश को मुगलों के हाथों बेच दिया था, ये आज हमारी इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस पर हथौड़ा चला और कांग्रेस के 33 साल पुराने इस कुरीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द करके रख दिया और इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा मामला दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके अपनी राय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये 33 साल पुराना आदेश जो कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, ये आखिर है क्या, जिसको वक्फ कानून कहा जाता है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 7 अप्रैल 1979 को एक आदेश जारी किया। इसमें कांग्रेस सरकार ने कहा था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर ऊसर आदि के इस्तेमाल वक्फ कब्रिस्तान मस्जिद ईदगाह के रूप में कर रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया जाए। मतलब कि अगर वक्फ किसी बंजर जमीन या किसी की संपत्ति पर अपना दर्ज कर रहा है कि मालिकाना हक कि मैं इस पे कब्रिस्तान बनाऊंगा, मैं इस पे ये करूंगा, तो उसको वक्फ की संपत्ति दर्ज कर दिया जाए। उसको उस पर कोई भी अगर आपत्ति जताता है तो वक्फ का वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि देश में सेना रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा अधिक जमीन है। जी हाँ, इस कानून प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया बनकर उभर गया। देश में वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। ऐसे में यूपी में वक्फ संपत्तियों पर कई अवैध कब्जे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं।
यूपी में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे बीते दिनों सामने आ चुके हैं। अलीगढ़ में 41,038 वक्फ संपत्तियों को चिन्हित किया जा चुका है। इसमें से कुछ संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी हैं। 33 साल की वक्फ संपत्तियों का अब रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने बताया कि 7 अप्रैल 1979 से लेकर अब तक यानी 33 साल के वक्फ बोर्ड की जो बंजर ऊसर सहित अन्य भूमि थी जिनका रिकॉर्ड नहीं दर्ज किया गया, अब उनका ब्यौरा भी जुटाया जाएगा। उप सचिव ने बताया कि शासन द्वारा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 को लागू करते हुए वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह जैसी स्थिति में सही दर्ज है या नहीं, इन सब का अवलोकन भी किया जाएगा। एक महीने में ये पूरी की पूरी इनपुट रिपोर्ट शासन को देनी होगी। उत्तर प्रदेश के सभी डीएम और कमिश्नर को एक कमेटी बनाकर जिले में वक्फ बोर्ड की जमीनों को चिन्हित किया जाएगा। उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी बताते हैं कि 33 साल पहले 7 अप्रैल 1979 को बनाए गए कानून के बाद वक्फ संपत्तियों की जो जमीन हड़पी गई है उसको किसी को भी बेच दिया गया है। इन सब की जांच होगी। जांच रिपोर्ट डीएम और कमिश्नर को एक महीने में करवाकर शासन को भी सौंपनी होगी। ऐसे में 15 अक्टूबर से मदरसों का सर्वे शुरू हुआ था जिसको लेकर बवाल हो गया था। उस बीच अभी ये बवाल शांत नहीं हुआ था। अभी इस पर एमीम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी जहर उगलते शांत नहीं हुए थे कि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी लोगों को एक और टॉपिक दे दिया कि लो मेरे बारे में और बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से सभी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ था उस पर यह कार्रवाई बहुत ही जरूरी थी। मदरसों से लेकर वक्फ बोर्ड और मस्जिद तक संपत्तियों पर अवैध कब्जे की बात सामने आती रही है। ऐसे में इन पर बुलडोजर चलना लाजमी है और इन पर ऐसी कार्रवाइयां लाजमी है। इस पूरे खबर पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, क्योंकि अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में कुल 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 558 अनुदानित मदरसे हैं और 7,482 आधुनिक मदरसे हैं। इन सभी मदरसों के कुल 19 लाख से ज्यादा बच्चे भी पढ़ते हैं। मदरसा सर्वे को लेकर जो हंगामा बरपा है और अब जो योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया, इसके बाद जो हंगामा बरपना है, इस पर आप जरूर बताइएगा। क्योंकि इससे पहले एक बार जब मदरसों का मुद्दा आया था तो इस पर मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जावेद ने जो कुछ भी कहा था, आपको वो दिखा दें। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जावेद ने कहा कि मदरसे के सर्वे पर हम सहमत नहीं हैं, यह एक पक्ष का सर्वे नहीं होना चाहिए। 70% वक्फ बोर्ड के कब्जे माफियाओं और गवर्नमेंट के पास है। इंदिरा भवन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। 30% केवल जमीन वक्फ के पास है। सरकार नाजायज कब्जे छुड़वाए तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को सर्वे कराकर जमीन देख ले तब कोई फायदा नहीं है। वक्फ की जमीन को कोई जबरदस्ती खाली नहीं करवा पाएगा, और अगर कोई रहना चाहता है तो वहां किराया लेने के बारे में सरकार को मालूम होगा। अब आप सोचिए कि कैसे ये डायरेक्ट योगी सरकार को धमकी दे रहे थे, लेकिन इनकी धमकी काम आ गई और अब वक्फ बोर्ड पर भी योगी की नजर पड़ गई है। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।